देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या के लिए सीधी हवाई सेवा को मिली मंजूरी। अमृतसर और वाराणसी के लिए भी सीधी उड़ान। 6 मार्च को सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। सीएम धामी ने पीएम और नागरिक विमान मंत्री का जताया आभार। तो अयोध्या के लिए सीधी हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ने पीएम और नागरिक विमान मंत्री का आभार भी जताया है। अमृतसर और वाराणसी के लिए भी सीधी उड़ान और 6 मार्च को सीएम धामी शुभारंभ करेंगे। तो हवाई सेवा को मंजूरी मिली है। देहरादून से जानकारी सामने आ रही है, अयोध्या के लिए सीधी हवाई सेवा को मंजूरी मिली है। और एक बार फिर से अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ गया। अभय, अयोध्या के लिए जो है सीधी हवाई सेवा को मंजूरी मिली, इसके अलावा वाराणसी को भी मिली है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखो, उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से लगातार हवाई कनेक्टिविटी को लेकर केंद्र से बातचीत यहाँ पर की थी, तो उसके सफल परिणाम अब यहाँ पर देखने को मिले हैं। देहरादून से सीधे तौर पर अब अयोध्या के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ यहाँ पर होने जा रहा है। अयोध्या के साथ साथ अमृतसर और वाराणसी के लिए भी देहरादून से सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। कल 6 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस हवाई सेवा का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। देहरादून से उत्तर प्रदेश के बीच, यानी जो पड़ोसी राज्य बना उसके बीच में जो आने वाले जो सैलानी या श्रद्धालु हैं उनके लिए ये एयर कनेक्टिविटी काफी लाभदायक यहाँ पर रहने वाली है। उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए इस उपलब्धि का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहेगा और यही वजह है कि जब केंद्र की तरफ से उसकी मंजूरी यहाँ पर मिली है, यानी अयोध्या वाराणसी और अमृतसर के लिए सीधी हवाई सेवा के जैसे ही मंजूरी केंद्र की तरफ से यहाँ पर दी गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उड़न नागरिक जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका आभार प्रकट यहां पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में हवाई क्षेत्रों के विस्तार के लिए लगातार काम यहां पर किया जा रहा है। उनकी सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और खुद अयोध्या के लिए उनकी तरफ से जो नागरिक उड्डयन मंत्री है उनको यहाँ पर पत्र भी लिखा गया था। उनसे जब मुलाकात दिल्ली में हुई थी तो एक मांग भी यहाँ पर की गई थी कि ताकि देहरादून से अयोध्या के बीच में सीधी हवाई कनेक्टिविटी यहाँ पर हो सके और उत्तराखंड और अयोध्या के बीच में जो सीधा संबंध है उसका लाभ सैलानियों और पर्यटकों को यहाँ पर मिल सके। इससे ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड से जो श्रद्धालु वहाँ पर जाना चाहते हैं वो अब सीधे हवाई सेवा के माध्यम से भी वहाँ पर जा पाएंगे और वहाँ से जो लोग श्रद्धालु या सैलानी यहाँ पर आना चाहते हैं वो अब हवाई सेवा के माध्यम से उत्तराखंड में भी आ पाएंगे और यहाँ पर जो राज्य का जो पर्यटन है, जो तीर्थाटन है और बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा दूसरे तौर पर देखें तो उत्तराखंड का जो अब जो हवाई कनेक्टिविटी का जो विस्तार है वो अब आगामी दिनों में और विस्तार यहाँ पर होने जा रहा है। अभी तक ये समझा जा सकता था कि जो बड़े शहरों के लिए जो कनेक्टिविटी फ्लाइट होती थी अब सीधे तौर पर डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से शुरू होगी और उत्तराखंड राज्य को उनका लाभ यहाँ पर मिलेगा। जी, तो ये खुद देवभूमि जो है एक उत्तराखंड देवभूमि है और ऐसे में जो है अन्य जगहों से धार्मिक स्थलों से जोड़ना ये प्रदेश के लिए भी पर्यटन के लिहाज से काफी फायदेमंद होगा। वहीं सीएम धामी ने इसके लिए जो है पीएम मोदी का भी आभार जताया है। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड देवभूमि और चारों धाम जो सुप्रसिद्ध जो चारों धाम है आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो चारों धाम है वो उत्तराखंड में आते हैं। ऐसे में अगर अभी तक जो रेल सेवा का जो प्रमुख साधन था या सड़कों के माध्यम से ही जो सैलानी यहाँ पर आते थे अब वो डायरेक्ट हवाई सेवा के माध्यम से भी उत्तराखंड में यहाँ पर आ पाएंगे। समय की उनकी बचत होगी और जल्द से जल्द वो इन धामों में दर्शन करने के लिए अपने आप को लग कर पाएंगे, लाभान्वित कर पाएंगे। इसका लाभ उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है उसको और मजबूत यहाँ पर उसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर मजबूत होगा, राज्य में जो पर्यटन से जुड़ी हुई जो आर्थिक गतिविधियां और सशक्त यहाँ पर बनेगी और उत्तराखंड की जो जनता है वो इसका लाभ उस रूप में यहाँ पर उठाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पहले जो फ्लाइट यहाँ कह सकते हैं कि देहरादून से दिल्ली या मुंबई के बीच में जुड़ा करती थी, अब इसके अलावा देश के जो दूसरे बड़े शहर है चाहे बैंगलोर हो गया, लखनऊ हो गया या फिर गोवा हो गया या फिर दूसरे जो शहर थे अब उनके बीच में भी ये फ्लाइट यहाँ पर चला करेंगे और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हवाई क्षेत्र में विस्तार यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है तो एयरपोर्ट के जो भी विस्तार है उनके लिए भी लगातार सरकार यहाँ पर काम कर रही है ताकि उत्तराखंड राज्य में आवागमन या पर्यटन के लिए जो भी चीजें जरूरी है उनका रूप से आगे बढ़ाया जा सके। जी, अब है 6 मार्च को जो है बताया जा रहा है कि शुभारंभ इसका किया जाएगा, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो उनके लिए कब से सुविधा मुहैया कराई जाएगी?
सीधे तौर पर जब कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस हवाई सेवा का शुभारंभ यहां पर करेंगे तो कल से ही जो सैलानी श्रद्धालु जो अयोध्या जाना चाहते हैं या अयोध्या से यहां आना चाहते हैं या फिर देहरादून से वाराणसी जाना चाहते हैं या नामचंद या अमृतसर जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनका जो शेड्यूल जो टाइम है यानी हवाई क्षेत्र का हवाई एयर कनेक्टिविटी का जो टाइम है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कल से इस सेवा का शुभारंभ यहाँ पर हो जाएगा। कल से ही सैलानी अयोध्या जाना शुरू यहाँ पर हो पाएंगे और उसके लिए बाकायदा समझा जा सकता है कि जैसे ही इसका सर्ज यहाँ पर हुआ तो अभी से ही जो अलीगंज एयरपोर्ट पर जो बुकिंग्स है वो बुकिंग्स यहाँ पर बढ़ने लगी है। लोग अयोध्या के लिए इस समय जाने के लिए लालायित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अभी तक जो रेल सेवा का माध्यम था उसके अलावा सीधे तौर पर अयोध्या के लिए एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत हो जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि दोनों राज्यों के बीच में जो पर्यटन सेक्टर है और मजबूत यहाँ पर होगा। जी जी, अभी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।